तत्व का फिर भटकन मिटेगी नहीं, बाहरी साधन से भटकन नहीं मिटती। बाहरी साधन से देह पवित्र होता है। हृदय को पवित्र करने के लिए हृदय गुफा पे नाम चलाना पड़ेगा, नाम का प्रकाश करना पड़ेगा, नहीं बात नहीं बनेगी। अगर केवल यहाँ नाम चलाना और यहाँ नहीं उतरा तो आनंद का बोध नहीं होगा। यहाँ उतरे फिर यहाँ आवे, अब प्रभु का प्रकाश हो गया। जो वैखरी वाणी है वो पहले करने से हमारे हृदय में पवित्रता शुरू होती है। इसे उच्चारण करके हम नाम, जैसे राम 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 राम, राम कृष्ण हरि, इसके बाद मध्यमा वाणी कंठ से, फिर पश्यंती, वो देख रहा है, वही नाम चल रहा है, हृदय की धड़कन के साथ जुड़ गया। फिर परावाणी, नाभिदेश से हर नस नाड़ी में हो, जैसे श्री तुकाराम जी जहां चरण रख देते तो वहां की भूमि बोलती थी बिठल बिठल है, कंडे थापे तो कंडे से निकल रहा बिठल बिठल, क्या नाम था, जनाबाई, जनाबाई, जना, ये क्या है, ये नाम का परावाणी में प्रवेश होकर नस नाड़ियों में फैल जाना है। रोम रोम जब रग रग बोले तब कर स्वाद नाम को पाए। नाम 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 के समान नाम ही केवल है, राम न सके नाम गुण, बस ये बात, कहूं कहां लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। इसलिए पूज्य भाई जी, इसका नाम सुना होगा, हनुमान प्रसाद पूजदार जी, वो बहुत बड़े गृहस्थी में संत हुए, उन्होंने कहा कि यदि आपका नाम निरंतर चल रहा है तो विश्वास रखो भगवान का साक्षात्कार आपको निश्चित होगा, दुर्लभ नहीं है। और भगवान भी आ जाए तो नाम मत छोड़ देना, उन्होंने कहा भगवान भी आ जाए तो नाम मत छोड़ देना, ये बात समझ रही है। और प्रलोभन की तो बात जाने दो, भगवान भी आ जाए तो नाम नहीं छूटेगा, इष्ट भी कह दे तो नहीं छूटेगा। ऐसा नाम से जिसका प्रेम हो गया वो अजित को जीत लिया। पार्वती जी को उपदेश कर रहे हैं सप्त ऋषि, तो उनकी जो आखिरी बात है वो कह रहे, तजऊ नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेश, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरों संभुनता रहूं कुमारी। इष्ट आके कहे तो मैं गुरुदेव के मंत्र को नहीं छोड़ सकती, जो गुरुदेव ने शिक्षा दी दीक्षा दी। स्वयं इष्ट आके महादेव कहे, आपकी क्या बात है, करोड़ों बार जन्म लूंगी लेकिन महादेव जी को ही वरण करूंगा। नाम जापक अपने गुरुदेव प्रदत्त नाम को इष्ट भी आ जाए तो नहीं छोड़ सकता। कैसे भगत है अपने लोग, जहां एक तरफ भगवान भी आ जाए तो भगवान का चिंतन नाम नहीं छोड़ने की बात कही गई, वहां हमारी दशा है कि तुच्छ भोग हमारे को भगवान का विस्मरण करा देता है, कहलाते हैं भगवान के दास, लेकिन एक इंद्री का भोग भगवान का विस्मरण करा दिया घंटों के लिए। ये ऐसी भक्ति के रंग की बात रही जिसमें निरंतर अव्यावृत भजनात् अखंड तैल धारावत, कि श्वास निकल जाए, प्राण निकल जाए यदि श्वास में नाम न चले, तद विस्मरणे परम व्याकुल देती। वो उपासक नेत्रों से दर्शन नहीं करता, नेत्रों में प्रभु बस जाते हैं। रूप छके घूमत रहे तनको तनिक नभान, नारायण दृग जल भय यह प्रेम भेजा। मस्त प्रिया प्रीतम नेत्रों में समाये हुए, नैनन पी मूर्ति बसे तेरस राय समाये, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय, फिर अपने रस मातो, कुटुम देते जाए छूट सब ही विधि नातो, जा जा पी की बात सुने भोजत इन गैनन, इत द्रु छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। ये प्रेम का स्वरूप आया, ये प्रेम मिलता कहां से है, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल क्या है, नाम। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन ने जो बन विश्राम वो धाम का आश्रय प्राप्त कर लेता है, मन उसका धाम में लौटने लगता है, धाम में धामी प्रिया प्रीतम लीला कर रहे उसका लीला में प्रवेश हो जाता है। नाम जापक तो धाम कहां, यही प्रकाशित हो जाता है, यही लीला चलने लगती है। नाम
अगर नाम जप नहीं है तो अन्य साधना होने पर हम कई महापुरुषों से संतों से मिले वो रंग नहीं है। और जिसने नाम पकड़ लिया और कुछ है नहीं तो सब रंग आ गए, ज्ञान आ गया, योग हो गया, सब हो गया। निरंतर नाम जापक से बढ़कर कोई योगी नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि उसका योग स्वयं प्रभु होते हैं। तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये नाम उपया। सबसे बड़ा योगी वही है जो हर क्षण भगवान का चिंतन करता रहता है, नाम जप कर। योग का मतलब है चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना, नाम जप। ये बात कलयुग के प्रभाव से सबकी समझ में नहीं, अगर आ गई अगर तो विजयी हो गया। हर एकांतिक हर सत्संग का पूर्णता ये नाम पे ही होती है, क्योंकि जीवन में इस बात को देखा है, साधन पक्ष को देखा है और फिर नाम को देखा है। साधन पक्ष भी ऐसा नहीं कि जैसे पुरुष से तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान के विप्र के घर तो वो सब विधान पूरा, वैसे सब करते 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 सकल कर्म कर थके गोसाई और सुखी न भयो आज खिलाए। क्यों? अब राधा 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 राधा, ना अन्य कोई आश्रय और ना कोई चाह, न कल्याण की न मोक्ष की न दर्शन की, क्योंकि अदर्शन तब दर्शन। नाम जापक के लिए कभी अदर्शन नहीं होता। ये बात जब उस कोटि का सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, जब दृढ़ भूमि हृदय में प्रकाशित हो जाती है तो ये दूरी नहीं रहते। इसीलिए कहा गया है कि अनुगमन करते हैं नाम का, ये समझ रहे। मतलब यहाँ गोस्वामी जी ने दर्शाया जहां आपने प्रश्न किया था कि जैसे स्वामी आगे चलता है तो सेवक पीछे चलता है, तो जहां नाम जाता है वहां रूप अपने आप आ जाता है, बुलाला नहीं पड़ता। तभी का आदर्शन नहीं हो सकता, आदर्शन नहीं, क्योंकि नाम चल रहा है ना, आदर्शन नहीं। जैसे आप कुछ दिन तन्मयता पूर्वक कृष्ण 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 राधा राधा राधा, जहां राधा नाम वही रूप झलकने लगेगा, वही रूप आने लगेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा पूर्ण प्रकाश रूप का, अब उसकी जो स्थिति होगी वो वही जानेगा, दूसरा नहीं जाने। वो कभी नाचता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी शांत समाधि एकदम कृतकृत्य होकर विराजमान है। कोई चाह न सोचते न कांक्षा, ये स्थिति नाम से, केवल नाम, नाम से। नाम से बड़ा कोई साधन नहीं, नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, नाम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, नाम से बड़ा कोई पुण्य नहीं, नाम से बड़ा कोई गुरु नहीं। सब कुछ नाम नाम नाम, ये यहाँ की बात कह रहा हूं, यहाँ की बात, बस नाम नाम। अगर हमसे एक शब्द में पूछो कि आप क्या है, आपके पास क्या है, दोनों नाम से नाम, कुछ और इसके आगे। अब उस वहां तक समझाने के लिए इधर की इधर की इधर की बात करके आखिरी में वही खड़ा कर देंगे, क्योंकि बहुत बुद्धि दौड़ती है ना, तो उसको पहले टटिया लगानी पड़ती है, आसपास से टटिया लगा के फिर उसको वहां रोकना। और आप बोल, अब नाम की शरण में हो जा, अब नाम। और जिसने नाम की शरण ले ली, भवसिंधु से पार होने की बात जाने दो, पार की समस्या नहीं है। नाम लेत भवसिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन मान, नौका की जरूरत है, तैरने की जरूरत है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, सूख गया नाम, कैसे तुम्हें बताए नाम। कोई ऐसी सिद्धि नहीं, कोई ऐसा भाई अनुभव नहीं जो नाम से ना हो जाए। ब्रह्म बोध हो जाएगा, तत्व तो साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, जो चाहे, पर उस कोटि का नाम जप हो, निरंतर नाम, रोम रोम रग रग से नाम का स्मरण हो रहा है, तो ये नाम का। अब बड़ा छोटा कहने में इसलिए अपराध की, जो नाम है वही रूप है, जो रूप है वही नाम है, जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, कृष्ण नाम जो है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है। तो अब इनमें भेद कैसे, नाम नाम या भेद है, पर फिर भी भेद है। क्या बोले, नाम स्वामी है और नामी सेवक है। देखो महाराष्ट्र में त्रिलोचन जी नाम ही जब करते हुए साधु सेवा करते ना, सेवक बन के आए ना अंतर्यामी भगवान, अंतर्यामी नाम से, नाम विराजमान उनकी जिभ्या में, और वो
हरिदासों की सेवा करते तो हरि उनके दास बन के आ गए। त्रिलोचन जी के चरित्र में आप एकनाथ जी के पास शिखंडिया के रूप में भगवान रहे ना, एकनाथ जी के पास क्या है, भगवान का नाम, तो भगवान सेवक रूप से है। प्रमाण देख लीजिए कि नाम का अनुगमन नामी कर रहा है कि नहीं कर रहा। अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर जगन्नाथ जी माधोदास बाबा की लंगूटी धो रहे मलबरी, क्यों धो रहे, क्या इनके पार्षद नहीं है, ऐसे पार्षद है कि एक पार्षद पूरी सृष्टि की रचना कर सकता है, पालन कर सकता है, विनाश कर सकता है। भगवान के दिव्य पार्षद है वो स्वयं भगवान अपने कर कमल से जगत वंदनी तीर्थपाद प्रभु मल भरी लंगूटी बाबा के पुर है। क्यों, बाबा नाम जापक महापुरुष है, बाबा की आंख खुली कौन सेवा कर रहा, सुगंधित वातावरण तो दुर्गंध होना चाहिए क्योंकि बार बार मल जब दृष्टि गई तो देखा समुद्र से धोकर के आ रहे हैं, जब दृष्टि मिला तो अरे प्रभु आप, बोले इसमें आश्चर्य क्या, हमारा और कोई है क्या, नहीं प्रभु आप किस बात, तो फिर जिसका मेरे सिवा कोई नहीं होता तो मैं स्वयं सेवा करता हूं, मैं स्वयं सेवा कर, तो प्रभु सेवा के लिए विवश हो गए सेवक की, इसमें राशि समझिए ना, सृष्टि में इन्हीं की क्यों धो रहे हैं, बोले नाम जापक है, ये नाम जापक है, ले पग छापू सेज बिछाऊ नौकर बनू हजाम, हाकू बैल बनू गढ़वारू बिना तनख्वाह रतवान, यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुट मणि। नाम का प्रभाव देख लो, नामी कैसे, नाम जापक अर्जुन रथी के पद में वही सारथी का स्थान होता है, वहां वो बैठे हैं जिनकी चरण चौकी वो ब्रह्मा शंकर आदि नमस्कार करते हैं। धेयम सदा परिभोगनम अभीष्ट दूहम तीर्थास पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम प्रत्यार्थ्यम प्रणत पाल भवाद्युपूतम, वो महापुरुष कहां बैठे सार्थ, क्यों, क्योंकि नाम जापक अर्जुन है, तो नामी कहां बैठा है, आप विचार करके देखें, अगर नाम नहीं चल रहा तो आप इतना समझ लो चांगदेव बहुत सिद्ध योगी था, मृत्यु को भी परास्त करने वाला था, लेकिन नाम जापक नहीं था, कौन सा उसको योग के द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त था, लेकिन जब ज्ञानदेव जी का सामना पड़ा तो जीरो में था, कुछ नहीं था, वो कह रहे थे तू कूरा है कुछ नहीं है तेरे अंदर, और जबकि ऐसा वैभव सिंह की सवारी और सांप की चाबुक लेके आया था, दिखाया कि नाम में कितनी सामर्थ है, संकल्प किया तो जड़ चबूतरा चल पड़ा, दीवार चल पड़े है, वो तो चैतन्य सिंह को और सांप को लेके आया था, चल पड़ा, कितने चमत्कार नाम के, नामदेव जी के जीवन में, श्री नामदेव जी के जीवन में, हा बहुत ये नाम का प्रभाव, अगर नाम में किसी की रति हो जाए तो जीत गया। आप सोचो अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो एक नाम से परम पदवी की प्राप्ति की स्थिति आ गई, एक नाम, भगवान के पार्षदों का दर्शन हो गया, यमदूतों से पासी कटे और फिर भगवान की प्राप्ति हो गई उसको, पुत्र के बहाने बुलाया, और नारायण को जानकर नारायण नारायण के रहे, हमारा कल्याण नहीं हुआ, हमारा मंगल नहीं होगा, यही बात समझ ली, नाम के समान तो फिर नाम ही है, नाम के समान में हम नामी को भी नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि थे तो महाराज आप पहले भी, लेकिन जब तक नाम जी व्याप्त नहीं आया तो आप चुप मौन होकर बैठे रहे, हमारी दुख विपत्तियां संकट सब देखते रहे, हमारी दुर्दशा देखते रहे, लेकिन जब नाम चला तब आप चुप नहीं बैठ पाए, फिर आप प्रकाशित हो गए त्रिगुण माया का पर्दा हटा करके, आप हमारा आलिंगन किए, आप हमें प्रेम प्रदान किए, आप हमारे नेत्रों के सामने है, तो सब इनमें बैठे हुए हैं मेरे प्रभु, पर कहां दिखाई दे रहा, नाम जप करके देखो, अगर सर्वत्र भगवान का दर्शन हो तो बताना, वो स्वामी जी कह रहे सी राम में सब जग जाए, और इस बात को वो कह रहे कि मैं साक्षी भगवान शंकर की देख के कहता हूँ कि मेरी जीभ गल जाए अगर थोड़ा भी कुछ मिला के बोलू, मेरे माई बाप मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है दो अक्षर राम, ये स्थिति कहां से आई श्री राम में जग में, वो राम 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 नाम से आई, हर स्थितियां नाम में छुपी हुई है, पर निरंतर नाम जपने का अभ्यास हो जाए, आप समझ पा रहे हैं।